हेलो दोस्तों, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के आई ऑफ अगामोटो की कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। और आई ऑफ अगामोटो की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि कॉमिक्स की आई ऑफ अगामोटो और मूवी की आई ऑफ अगामोटो दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि कॉमिक्स की आई ऑफ अगामोटो एक टाइम स्टोन नहीं है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, जो कि आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। और ऐसे और भी ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। आई ऑफ अगामोटो को सबसे पहले शो किया गया था दिसंबर 1963 की स्ट्रेंज टेल इशू 115 में, और उसे क्रिएट किया था राइटर स्टैनली सर और आर्टिस्ट स्टीव डिटोको ने। और आर्टिस्ट स्टीव डिटोको ने आई ऑफ अगामोटो को डिजाइन किया था और सिंह आई ऑफ बुद्धा के डिजाइन के बेसिस पे, जिसे एमुलेट ऑफ स्नेल मार्टियर भी कहा जाता है, जो कि एक नेपाली सिंबल है जिसका मतलब होता है बुराइयों से प्रोटेक्ट करने वाला, या कहें बुराइयों से बचाने वाला। अब कॉमिक्स में आई ऑफ अगामोटो की ओरिजिन की बात करें तो आई ऑफ अगामोटो की ओरिजिन कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है, और कुछ कॉमिक्स में कहा जाता है कि ये आई ऑफ अगामोटो सबसे पहले सॉसरर सुप्रीम और तीनों विशांटीज में से एक अगामोटो को सितारों के बीच घूमते हुए मिली थी। मगर कुछ कॉमिक्स में मेंशन किया गया है कि इसे अगामोटो ने खुद बनाया था, और इस आई के साथ ही अगामोटो ने ऑर्ब ऑफ अगामोटो, स्पाइन ऑफ अगामोटो को भी बनाया था, और इन तीनों को मिला के थ्री आईज ऑफ अगामोटो कहा जाता है। और ये ओरिजिन पहली वाली ओरिजिन से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि आई ऑफ अगामोटो को अपने मिस्टिकल पावर्स के लिए एनर्जी खुद अगामोटो से ही मिलती है, और इस ओरिजिन के हिसाब से अगामोटो ने आई स्पेसिफिकली डोरमामो से लड़ने के लिए क्रिएट की थी, और फिर इसे इटर्निटी को दे दिया जब तक कि इसके लायक प्योर हार्ट और क्लीन सोल वाला सॉसरर इटर्निटी को ना मिल जाए। और फिर एंशिएंट वन के सॉसरर सुप्रीम बन जाने के बाद ये आई इटर्निटी ने एंशिएंट वन को दे दी, और फिर जब डोरमामो ने अर्थ पे अटैक किया तो उससे लड़ने के लिए एंशिएंट वन ने ये आई डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रांसफर कर दी। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद भी काफी सारे लोगों ने आई ऑफ अगामोटो को यूज कर रखा है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सॉसरर सुप्रीम बनना छोड़ देने के बाद नए सॉसरर सुप्रीम ब्रदर वुडू ने, और 31st सेंचुरी के सॉसरर सुप्रीम क्रूगर ने। साथ ही इन सॉसरर सुप्रीम्स के अलावा जिन लोगों के पास ये आई ऑफ अगामोटो रह चुकी है उनमें शामिल हैं डॉक्टर डूम, लोकी और ल्यूक केज। वैसे लोकी और डॉक्टर डूम को आई ऑफ अगामोटो ने तभी चूज किया था जब वो इवल फोर्सेस से दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब आई ऑफ अगामोटो की पावर्स की बात करें तो आई ऑफ अगामोटो को अपनी सारी पावर्स खुद अगामोटो से मिलने की वजह से ये आई एक जीती जागती चीज की तरह बिहेव करती है, और अपने यूजर के ब्रेन से मिस्टिकली कनेक्टेड रहती है, जिस वजह से इसे यूज करने वाला वो सब देख सकता है जो कि ये आंख देख रही होती है, मतलब वो सभी छलावों और इल्यूजन्स के आर पार देख सकता है। साथ ही ये आई एक मिस्टिकल लाइट भी प्रोजेक्ट करती है, जिससे कि सभी झूठ और इल्यूजन्स इसके सामने आते ही अपने आप रिवील हो जाते हैं, चाहे वो इल्यूजन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। और इसलिए आई ऑफ अगामोटो को कॉमिक्स में आई ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है। इसी के साथ आई ऑफ अगामोटो अपने यूजर की मिस्टिकल साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ा देती है, जिससे कि वो किसी का भी माइंड और साथ में सोल भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही आई ऑफ अगामोटो की मदद से भारी चीजों को भी उठा सकता है, जैसा कि एक बार कॉमिक्स में डॉक्टर ने आई ऑफ अगामोटो की मदद से हल्क तक को आसानी से उठा लिया था। साथ ही आई ऑफ अगामोटो किसी भी इवल मैजिक, डीमन और एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटीज जैसे डोरमामो को भी कमजोर कर सकती है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए उन्हें हराना आसान हो जाता है। और साथ ही आई ऑफ अगामोटो मिस्टिकल शील्ड क्रिएट कर सकती है, दूसरे डायमेंशंस के लिए पोर्टल खोल सकती है, एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, और मेन चीज ये कुछ ही समय पहले घटी चीजों को भी रिवर्स कर सकती है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज पास्ट में कुछ ही समय पहले हुए गलत इवेंट्स को भी सही कर सकते हैं। पर कॉमिक्स की आई ऑफ अगामोटो की ये पावर उस लेवल की नहीं है जो कि एक असली टाइम स्टोन की होती है। इससे सिर्फ कुछ ही समय पहले हुए इवेंट्स को ही चेंज किया जा सकता है, वो भी वही इवेंट्स जो कि आई ऑफ अगामोटो के सामने हुए रहते हैं। और ये सारी पावर्स ही आई ऑफ अगामोटो को मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल आइटम्स में से एक बनाती है, और इसे यूज करने वाले को सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय। Till I get up, time is barely on our side.